भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए आपको लिए चलते हैं खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए खेल चक्कर। भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है। ओडिशा में हुए हॉकी विश्व कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद रीड ने अपने पद से हटने का फैसला लिया। उनके अलावा एनालिटिकल कोच ग्रेग क्लार्क और साइंटिफिक एडवाइजर मिचेल डेविड पेम्बर्टन ने भी इस्तीफा दे दिया है। हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम 9वें स्थान पर रही। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले अचानक मुरली विजय ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अपने इंस्टा हैंडल पर लगाई एक पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे। विजय ने लिखा कि 2002 से लेकर 2018 के बीच का साल काफी कमाल का था। मैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट बीसीसीआई का शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने सभी साथी खिलाड़ी और कोचेस का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारतीय क्रिकेटर मिताली राज का मानना है अंडर 19 विश्व कप के 3 से 4 सदस्य सीनियर लेवल पर खेल सकते हैं। इन खिलाड़ियों की 2025 विश्व कप में अहम भूमिका हो सकती है। सलामी बल्लेबाज श्वेता सहरावत, लेग स्पिनर पार्श्वी चोपड़ा, तेज गेंदबाज चिताश साधु, बॉलर अर्चना देवी और बाएं हाथ की स्पिनर वन्नत कश्यप ने दक्षिण अफ्रीका में हुए टूर्नामेंट में उम्दा प्रदर्शन किया था।